देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा रिजवान आदित्य और रिजवान फाउंडेशन को मुबारकबाद दूंगा जो जिन्होंने ये फिल्म बनाई। असल में इस फिल्म का मकसद जो है, जिसमें जो दर्शाया गया है, जो बताया गया है, वो हमें समझना होगा कि ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, हम इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। इस फिल्म के अंदर एक मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। और क्योंकि आदमी इससे, ये फिल्म से ये सीखता है, एक ज़माना था जब लोग जो है किसी की बायोग्राफी पढ़ते थे किताबों के ज़रिए से, लेकिन आज डिजिटल दुनिया है जिस पे रिजवान आदित्य की ज़िंदगी पर ये फिल्म जो बनी है रिजवान, मैं समझता हूँ कि डिजिटल दुनिया में इसको फिल्मा के जो पेश किया गया है और उससे जो बात जाहिर हो रही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है और हमारा मकसद जो है आगे बढ़कर दूसरों का भला करना है। जिस तरह से उनका एक करेक्टर आया सामने, वो हमेशा से उनके मन में था कि दूसरों का भला कैसे किया जाए और उस भलाई का मकसद उनका था इंसानियत का, और उस इंसानियत को पैगाम देने की कोशिश की गई है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का सम्मान करो और इसी तरह से सबसे मिलकर आगे बढ़ो। तो इस फिल्म से मैं समझता हूँ कि सरकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी तो ये ऑल इंडिया के अंदर इसको टैक्स फ्री होना चाहिए। इस फिल्म को टैक्स फ्री होने से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखकर लोग इंस्पायर होंगे और उससे इंस्पिरेशन जो मिलेगी, मुझे लगता है कि उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आदमी ख़ास तौर पे ये फिल्म नौजवानों को ज़रूर देखनी चाहिए और नौजवान जब इस फिल्म को देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक बदलाव आएगा, उन्हें इस ज़िंदगी, इस फिल्म की, रिजवान की ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू होंगे और मैं समझता हूँ कि उससे उनके अंदर एक बदलाव आके और एक दिन वो उसमें कामयाब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। चूँकि आजकल जो फिल्में हैं वो जो आ रही हैं वो एंटरटेनमेंट की होती हैं, लेकिन ये फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ज़िंदगी का मकसद बताती है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, इससे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। मैं इसके लिए पुनः दोबारा से रिजवान आदित्य को और फाउंडेशन को और तमाम फिल्म बनाने वालों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जो करेक्टर रिजवान आदित्य का आया है उससे सीखें और उसको सीख के अपने ज़िंदगी के अंदर उतारें, उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं। शुक्रिया। सवाल सर, क्या लगता है जो फिल्म आप देख रहे थे, करीबन सवा दो घंटे की फिल्म है, कभी लगा कि फिल्म शायद नहीं देखना चाहिए, ऊब गए होंगे, ऐसा कुछ समय आया, क्योंकि क्या फिर बातें रखी? दरअसल क्या है कि ये इंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, हमको ये समझना चाहिए कि वो उस फिल्म से बंधे क्यों रहे, वो ज़िंदगी की चूँकि हकीकत है, वो उस हकीकत को उन्होंने जो एक बदलाव लाके, एक उनकी ज़िंदगी थी गरीबी से उठकर, वो एक ज़िंदगी का एक अपना उन्होंने जो जिस तरह से पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी से जिस काम को करके जिस ऊँचाई पर पहुँचा वो रिजवान जो करेक्टर है जो उस काम को, तो मुझे लगता है कि वो फिल्म जो है वो किसी ज़िंदगी की मकसद को कहीं तक पहुंचाने की है, तो इसलिए उसको लोग समझते हैं। बीच में तो इस फिल्म को देख के कहीं ना कहीं रोना भी आया, उसको लगा कि ये बिल्कुल हकीकत की ज़िंदगी से रूबरू हो रही है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ऊंच नीच, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो उससे आदमी सीखेगा और ख़ास तौर पर रिजवान की ज़िंदगी को देखने के बाद लोगों के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। ये एक जो एक ऐसे हिंदुस्तानी की कहानी है जो अपने बचपन के अंदर सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए मुल्क से बाहर जाके कितनी कठिनाइयों के बावजूद वो अपने गोल को अचीव करता है। और मैं अपनी ओर से रिजवान भाई को जो साथ ही खड़े हैं इनको मुबारकबाद दूंगा और ये इस मुल्क के करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप सच्चे दिल से कोई मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ नेकी के साथ कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। और
ये इस पिक्चर के अंदर भी ये दर्शाया है, तो मैं अपनी ओर से किस तरीके से इस किरदार को जो रिजवान भाई ने निभाया है और ज़िंदगी के अंदर करोड़ों जो हमारे युवा है, हमारे देश के नौजवान हैं, उनके लिए एक तरीके से एक सबक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से इस मूवी से, इस फिल्म से हमारे जो युवा है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो इससे एक लेसन लेंगे और आने वाली अपनी ज़िंदगी के अंदर वो इसी तरीके से नेक काम करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, अपने गोलों को अचीव करेंगे और लोगों की जो खिदमत है इनके अंदर, जो मैंने एक बात देखी, जो अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे, जो जो नीडी लोग थे, जो ज़रूरतमंद थे, उनकी मदद कर रहे थे, तो वो ये बात देखी कि खिदमत खल्क का जज्बा भी इनके अंदर है और वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है और इंसानियत के लिए काम करना ही सबसे बड़ा नेक काम है। तो रिजवान भाई जो है उन्होंने ये सब किया है और आज उस मूवी के अंदर उन सब चीज़ों को दर्शाया, तो मैं अपनी ओर से रिजवान भाई को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल सीन थे और मैं मानता हूं कि जो भी लोग इस मूवी को देख रहे थे वो सब लोग एक वक्त पे बहुत इमोशनल हो गए थे, मैं खुद इमोशनल हो गया था। तो मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ, ये इसी तरीके से ज़िंदगी के अंदर और कामयाबी हासिल करे, लोगों की मदद करे और हमारे हिंदुस्तान का नाम इसी तरीके से पूरी दुनिया में, अफ्रीका में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये रोशन करेंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सवाल क्या लगता है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक करना ही चाहिए क्योंकि ये युवाओं के लिए एक ये प्रेरणा है, लोगों के लिए जो है किस तरीके से इससे मोटिवेशन सबको मिलेगा और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को कि वो जो भी गोल तय करेंगे और मेहनत से ईमानदारी से काम करेंगे तो उसके अंदर उनको कामयाबी मिलेगी। और ये ऐसी मूवी है तो इसका बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर इसके अंदर टैक्स फ्री होना चाहिए। मैं इस तरीके से और मैं जहाँ पर भी हम लोगों की भी, क्योंकि मैं राजस्थान सरकार में ऐसे मिनिस्टर हूँ और भारत सरकार की तरफ से भी मैं अजमेर शरीफ दरगाह का चेयरमैन हूँ, तो जहाँ भी इस मूवी को फ्री कराने के लिए, टैक्स फ्री कराने के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, रिकमेंड करनी पड़ेगी, मैं भी अपनी ओर से करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप एक नाम बोले, नाम बोल रहे हैं? मैं अमीन पठान, मैं दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ का चेयरमैन हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है और मैं हज कमेटी ऑफ राजस्थान का भी चेयरमैन हूँ। ऐसे मिनिस्टर स्टेटस है मुझे राजस्थान सरकार के अंदर और मैं आज इस प्रोग्राम में आया था और मैंने इस मूवी को देखी जो रिजवान के नाम से बनी है, तो ये एक सच्ची स्टोरी है और अपनी ओर से दुआ करूँगा कि सभी लोग इसी तरीके से काम करें और ये जो मूवी है इसको सब लोग देख के इससे प्रेरणा लें और अपने जीवन को, अपने गोल को अचीव करें और अपना नाम, अपने वालदेन का नाम और अपने देश का नाम ऊंचा करें। बहुत खुशी हो रही है, बहुत इमोशनल भी हो रहा हूं, आप भी फील करते होंगे। बहुत खुश हूं सबका फीडबैक देख के और जो हिसाब से सब बोल रहे, बता रहे, कमेंट्स दे रहे और मुझे बहुत अभी होप मेरी बढ़ गई है कि मेरी लाइफ की जो जर्नी है वाकई अपने देशवासियों को, अपने जो युवा धन है उनको इंस्पायर करेंगी, उनको एक अच्छी लाइफ की होप देगी। तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बस उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की, मीडिया की दुआ से जल्दी हम पूरा देश में हम लॉन्च करें। लेकिन जिस तरीके से करीबन ढाई घंटे की फिल्म जो बनी है, इससे देख के लगता है कि वास्तव में देश में एक अलग ऊर्जा लोगों को लग जाएगी, यूथ जो है, क्योंकि जो फिल्म इतने से चलती है लोग लगता है कि नहीं कुछ और अच्छा होने वाला, कोई अच्छा है, कभी बोर नहीं होता, बोरियत नहीं होती। मुझे उम्मीद है लोगों का फीडबैक से मुझे मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि वाकई में ये युवाओं को मोटिवेट करेगी इसके लिए और बहुत सारे जो अपना क्या बोलते हैं जो फीडबैक के अंदर लीडर्स ने बताया कि ये टैक्स फ्री होनी चाहिए, तो और मेरी उम्मीद और एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि वहाँ तक लोगों को अच्छी लगी, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात हो नहीं सकती और मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि सच्ची में ये अपने देशवासियों को, और आप मीडिया भी बहुत यूथ ही हो तो आपको भी, आपने भी मूवी देखी है तो आपको भी इंस्पायर कर रही है जैसे आप लोग बता रहे होते अभी थोड़ी देर पहले, और मुझे उम्मीद है
कि ये मूवी पूरे इंडिया के अंदर सब लोगों को अच्छी होप देगी लाइफ की। थैंक यू। रिलीज कब हो रही, क्या प्लान? 14 सितंबर मेरा बर्थडे, टेंटेटिव डेट वो रखी है हमने रिलीज करने की, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेंगी तो 14 सितंबर को रिलीज हो जाएगी पूरे इंडिया में। हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रों में राष्ट्र महाराष्ट्र के इस पावन सिद्ध विनायक गणपत जी के स्थान पर काशी से आकर के हमें रिजवान पिक्चर देखने का यह पावन मौका मिला। रिजवान शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ भरोसा होता है, विश्वास होता है। उस विश्वास के साथ एक हमारे देश का एक गरीब बालक उस देश की मिट्टी में जन्म लेकर के, जिसे महात्मा गांधी जी ने पावन किया था, उस पावन भूमि से हमारे दूसरे गांधी जो कि रिजवान अढ़तिया जी के नाम पर यह पिक्चर हम लोगों को देखने को मिला। यह पिक्चर बहुत ही मार्मिक, भावुक और हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणाप्रद पिक्चर थी। इसमें जो भी डायलॉग या जो भी कहानी, जो भी एपिसोड इसको प्रेरित किया गया, वह अपने आप में जो है हम सभी के लिए एक लेसन थे, एक हम लोगों के लिए जो है आगे जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ ये बनाई गई पिक्चर हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद साबित हो रही है। हम खास तौर से सबसे पहले इस पिक्चर के जो प्रोड्यूसर निदेशक हैं मिस्टर हरेश व्यास जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा जो है इसका संयोजन किया है, इसमें भावुकता लाया है और एक बहुत ही कम साफ सुथरी चीज़ जो है हम लोगों को देखने के लिए जो है अपनी कला को हम लोगों के सामने जो है परोसा है। मैं इस पिक्चर के सभी और कलाकारों को बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े ही सजीवता से इस भावुकतापूर्ण पिक्चर को जो है बनाने में सहयोग दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट मिस्टर रिजवान फॉर द वंडरफुल मूवी। इट इज इन फैक्ट एन इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ रेग्स टू रिचेस, बट मोर सो इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग द रेग्स टू रिचेस, इट इज द इंस्पिरेशन एंड द स्टोरी विच शोज अस हाउ अ लाइफ हैज टू बी बिल्ट and what is the sole purpose of life. The sole purpose of life is to give back to the society what you have earned. And here Mr. Rizwan has actually shown in the whole movie how he has started from scratch, build an empire. But more so, at every step he had one thing in his mind, that is to give back to the society. And this he has fulfilled in real life. He has made a foundation and he is trying to give back whatever he can to the society. And a very important lesson to the youth, that without struggle there is no success. He has proved it in real life through his own struggle how success results. I would like to congratulate Mr. Rizwan and his team. Thank you, sir. And all the best. Once again. Thank you. मैं, मेरा नाम है दिलावर चौगुले, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और पूरे देश भर में मेरा बहुत बड़ा काम है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश को आज़ादी किसने दिलाया? गांधी जी ने। वहाँ उनका गांव है पोरबंदर, और रिजवान भाई भी पोरबंदर से आते हैं। उन्होंने पोरबंदर से लेकर अफ्रीका तक अपना सफ़र तय किया और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी आज ये पिक्चर जो रिलीज हुई उसके अंदर एक रियल स्टोरी आप लोग नज़र आई है। रियल स्टोरी हर एक इंसान के साथ में रियल स्टोरी आती है,
सबने स्ट्रगल किया, लेकिन रिजवान भाई ने अलग ही हिसाब से स्ट्रगल किया। हमारा देश छोड़ के परकीय देश में जाके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके उन्होंने देश में एक दिखा दिया कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत देश के एक नागरिक होते हुए उन्होंने वापस यू टर्न लिया और एक सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा, कदम रख के आज 7 लाख लोगों तक अपने समाज सेवा का फ़ायदा पहुँचाया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रिजवान भाई को, और मैं रिजवान भाई की ये सेकंड टाइम मूवी देख रहा हूँ और सेकंड टाइम मेरे आंखों में आंसू आए। इतनी अच्छी मूवी लगी कि हर एक, मैं भी बचपन में कर्नाक बंदर के ऊपर हमली करता था, वो सेम स्टोरी रिजवान भाई ने यहाँ दर्शा है लोगों को। एक बहुत अच्छा स्टोरी के साथ में एक हमारे देश को जो गरीब लोग हैं इनको एक अच्छा उसमें से सीखने मिलेगा। और मैं भारत सरकार से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग करता हूँ, और उसका बीड़ा हमने उठाया। रिजवान भाई को मैंने कमिटमेंट किया, ये अगले 2-3 महीने के बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ में ताज होटल में हम इसी मूवी का रिलीज रखने वाले हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर्स को, IAS IPS सारे लोगों को बुलाकर ताज होटल में इसका बहुत बड़ा शानदार इनॉग्रेशन करेंगे। और रिजवान भाई को मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो सीखने जैसी चीज़ है, हर एक को इतना अच्छा लगा ये मूवी कि मेरे ऐसा इंसान 2-3 बार देखते देखते रोया है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद द रिजवान मूवी। आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम, द डायरेक्टर मिस्टर व्यास एंड ऑल द कैरेक्टर्स और द एक्टर्स हु हैव प्लेड द रोल। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द मिस्टर रिजवान टू टेक अ पेन टू मेक दिस एंटायर मूवी just for the lesson and message to the country and the village people that justice, liberty, equality and fraternity, these are the 4 pillars of our democracy and the betterment of the human being. You may get the justice from the court for violation of your liberty or snitching away of your liberty, but you cannot demand fraternity. बंधुत्व की जो भावना है वो कहीं से नहीं मिल सकती कोर्ट रूम से, वो मिल सकती है रिजवान जैसे से। और रिजवान ने जो आज ये उनकी लाइफ का जो कैरेक्टर्स ये मूवी के अंदर जो प्रदर्शित किया गया है, आई मस्ट से एवरीवन वॉच दिस मूवी, लेट दिस रीच टू द यूथ एट अ ग्रास रूट लेवल एंड एवरीवन हैव द स्टोरी फॉर देयर सक्सेस। But the way Rizwan has shown the how the brotherhood can become essence for the success, therefore the government of India, this biggest democracy of the world, that now the everyone knows that sabka saath, sabka vikas, sabka viswas. मैं मानता हूँ कि रिजवान ने सबका विश्वास प्राप्त करने में बड़ी मेहनत की है और ये हासिल करते रहे, और ऐसे ही सबका मैसेज लेके पूरा यूथ आगे बढ़े और भारत देश पूरे विश्व के अंदर ये बंधुत्व की भावना बड़े उजागर करे, ऐसे आशा रखते हुए ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम। थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि हम लोग भी थोड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज गुरुजी ने के आदेश पे मैं आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आई है। चूँकि टूटना और टूट के फिर खड़ा होना ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये ताकत विदाउट डिवाइन एनर्जी पॉसिबल नहीं, इसलिए मुझे लगता है गुरुजी जैसे लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। और रिजवान भाई को मैं दिल से सल्यूट करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जो टीम है, मुझे लगता है कि उनको भी हमें सल्यूट करना चाहिए। ऐसी मूवी आपने बनाई है जिसमें जितनी देर में बैठा मोस्टली मैं रोता ही रहा। चूँकि करना चाहता हूँ कि मुझे इस जगह इस मकाम पे लेके आए हैं कि जो मैं ये मूवी देख के इतना प्रभावित हुआ हूँ। हम एग्जीबिटर हैं, हम पिक्चरें लगाते हैं, हमारे मल्टीप्लेक्सेस हैं दिल्ली और बॉम्बे में, तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि जो हम ये फिल्म सेंसर से पास होके और फिल्म हमारी सारी पूरे दिल्ली और बॉम्बे में लगे। ये पिक्चर इतनी हम मुझे अच्छी लगी है कि ये नवयुवकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि ये पिक्चर देखें वो, और देख के वो प्रभावित होकर इनकी तरह बने। और मैं रिजवान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया फिल्म देखने का,
और ये फिल्म देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी मैं इनके साथ जुड़ के ये काम कर सकूँ। इससे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ब्रदर आप सभी लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया हुआ, रविंद्र जैन जी संगीतकार आप सब लोग जानते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैंने भी फिल्म बनाई है और मैंने कहा था रिजवान भाई को कि ये जो फिल्म है वो कॉमर्शियल एंगल से नहीं है, ये वाली फिल्म ये हम लोगों को इंस्पायर करने के लिए मोटिवेशन के लिए फिल्म बनाई गई है ये वाली। और वही शब्द मैंने कपिल शर्मा के समय में गया था तब मैंने वहाँ भी यही बात बोली थी जब मैंने अन्ना जी के ऊपर फिल्म बनाई थी कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग कॉमर्शियल एंगल नहीं देखते हैं और ये फिल्म भी उसी तरह की है, लेकिन इसको अगर देख करके हम में से कुछ और बच्चे इसी तरह की हिम्मत के साथ व्यापार करें तो जैसे इन्होंने 5,000 लोगों को जॉब दिया है ऐसे ही और 20-25 लोग मिल जाएंगे तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। इसी के लिए मैं शुभकामनाओं के साथ और बहुत बहुत पूरी टीम को, हरीश जी आप हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी टीम की इस फिल्म के लिए आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू मैडम। प्लीज संध्या जैन फ्रॉम नवी मुंबई, एक NGO रन करती हूँ मैं, कृष्णा शांति सुमन मल्टीपर्पज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक मंथली मैगजीन भी निकलता है विमेन जोन नवी मुंबई से। तो ऑल मीडिया फ्रेंड्स, या तो इनको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये दिस इज रियली वेरी टची मूवी। अटल बिहारी जी का एक बहुत अच्छा, मुझे दो लाइनें याद आ रही, मैं बोलना चाहूँगी वो स्पेशली ये डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं रिजवान भाई को कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो इस तरह का बड़ा दिल इन्होंने रखा है एंड मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बुलाया स्पेशली और ये सौभाग्य दिया। इस तरह का इवेंट पहली बार मैंने अटेंड किया है जाकर के एंड मैं बधाई दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ रिजवान भाई को, इनके भाई साहब जिन्होंने इनको मौका दिया बाहर अब्रॉड में आने का, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ कि ऐसा भाई सबको दे, ऐसा भाई सबको दे जो अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ रखे हमेशा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी गुरुजी। आई सॉ दिस मूवी इज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई कांग्रेचुलेट यू एंड योर टीम हु हैज डन अ वेरी गुड जॉब, स्पेशली द बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड, the presentation of a movie has been very good, it's very inspiring. I have seen that he has given more value to relationship than to making money. His relationship with mother, his father, his employees, you motivating them to work better and perform better, and you have also helped your colleagues, you have helped also your friends, apart from he has, you know, become from poor to very rich, that is not important, but ultimately he is utilizing his money what he has earned for the cause of poor people. Ultimately he has opened an our foundation, so we am so happy to see his life and his activities, and finally you are doing for the country and for the entire society. I congratulate once again, but I enjoyed the movie and its track and its sound, and it has been excellent. I never get bored entire movie. Okay. I thought it's a Bollywood movie only, and I saw with the same thing. May not be very known actors, but congratulating to all your team and actors. Thank you. Hey, Rizal sir.